Hello all of you, welcome to BARC exam tips video. In this video we are going to discuss about what tips that can be useful for you while facing exam, या फिर आपने कैसे plan करना है चीज़ों को और exam generally कैसा होता है. इस exam का disadvantage ये है कि paper कभी भी share नहीं होता, तो जो paper होता है उसमें questions होते हैं वो कभी भी किसी को पता नहीं चलते. तो ये जो भी video मैंने बनाया है ये मेरे experience है, because I have cleared this exam. Now coming to the point, मैंने इस कंप्लीट वीडियो को तीन सेक्शन में डिवाइड किया है, एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स, एम्स एंड आपने कैसे प्रिपेयर करना है या फिर मैंने कैसे प्रिपेयर किया था. सो व्हाट आई अंडरस्टूड या फिर मैंने क्या किस चीज़ों को फेस किया था वो सब चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन कर दी है. तो फर्स्ट थिंग इज़ रिमेंबर दिस दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम. फर्स्ट टाइप ऑफ जो एग्ज़ाम होती है जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एंड टाइम कम होता है, लाइक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर BARC आप आ गया आपका एग्ज़ाम. एंड दूसरा टाइप का एग्ज़ाम होता है जिसमें टाइम ज़्यादा होगा एंड क्वेश्चन कम होंगे, जैसे आ गया गेट. ओके, नाउ दिस इज़ अ एग्ज़ाम इन विच यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड वेरी लेस टाइम. ओके, तो और इसमें भी और डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए लेंथी क्वेश्चंस डाल देंगे. लेंथी क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट 3 to 4 लाइंस के होंगे एंड इसको पढ़ना है आपको, पढ़ने के बाद कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के बाद आंसर टिक करके आगे बढ़ना है. ओके, तो ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, इनसे आपको बचना है. ओके, तो आप कैसे बचोगे? आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले बारी आपको जो क्वेश्चन है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है. जनरली ऐसा होता है, एक बार हम ऊपर से पढ़ते हैं देन फिर से उसको पढ़ते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होता है, राइट? तो आपको जो क्वेश्चन है वो एक ही बार पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है, सो दैट यू कैन, मतलब आपको पता चल जाएगा यार कि मुझे अटैम्प्ट करना है या नहीं. क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलना ज़रूरी है कि अटैम्प्ट करना है कि नहीं. बहुत से नए क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ लाते हैं, अजीब अजीब BARC के लेवल के ही होते हैं ये. तो नए क्वेश्चंस में अगर आपको क्लिक हो रहा है कि भाई मैं कर सकता हूँ तो कर दीजिए, वरना सीधा छोड़ दो, ठीक है? अच्छा, इससे पहले हम एक एम का पार्ट कवर कर लेते हैं. एम में देखिए, आपका एम है 60% से प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ज़रूरी है, राइट? आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करके टॉप नहीं करना है, आपको उस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है. बाकी सब जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे, इंटरव्यू पे. तो 60+ अगर आप कर देते हो क्वेश्चंस अच्छे से, देन देर आर ह्यूज चांसेस कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है? नाउ ये जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं ये अगर आपने छोड़ भी दिए, देन ऑल्सो आपके पास चांसेस है दोस्तों कि क्वेश्चंस जो बाकी आप अटेम्प्ट कर रहे हो उससे आप इजीली इंटरव्यू तक पहुँच जाओ. तो न्यू क्वेश्चंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? अगर आ रहा है तो कर दो, नहीं तो फर्स्ट एक बार इसको रीड करके आपको पता चल जाता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो जैसे आपको पता चल गया उसको छोड़ दो, समझ रहे हो ना? कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, यस, गेट एंड जो अपना ESE होता है, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, ऑलमोस्ट 30% रिपीटेड होते हैं. ओके, देखिए जैसे मैंने आपको बोला इस एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होगा, तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस है ये रिपीटेड क्वेश्चंस आपने मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है? कैसे कर सकते हो आप, ये आता है अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट या फिर एक जो नेक्स्ट स्लाइड है, थर्ड स्लाइड, इसमें मैंने ये लिखा था व्हाट टू डू में क्या करना है आपको, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. ये करोगे तो इससे जो भी 30% क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाओगे, समझ रहे हो? सो दैट आप ये जो नए क्वेश्चन है या फिर जो जिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है इस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाओ, ठीक है? तो ये है स्ट्रैटेजी अगर आपको रिपीटेड क्वेश्चंस जल्द से जल्द सॉल्व करने हैं तो. एंड ऑलरेडी आपने अभी तक इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट का एग्ज़ाम फेस कर दिया है तो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस या फिर आपने PVS क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए होंगे. फिर भी आपके पास एक महीना है तो प्लीज़ इसको करिएगा ज़रूर, राइट? नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, स्टूपिड कैलकुलेटर. कैलकुलेटर जो है वो जनरली हम लोग गेट में ही यूज़ करते हैं. गेट का कैलकुलेटर बहुत अच्छा होता है, इनका कैलकुलेटर थोड़ा स्टूपिड है, मतलब थोड़ा अजीब होता है. जो फंक्शंस होते हैं वो आपको समझने में ही थोड़ा वक्त चला जाता है, ठीक है? ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको थोड़ा सा वक्त दे देंगे कैलकुलेटर समझने के लिए, नहीं. तो कैलकुलेटर से जूझना भी एक थोड़ा अलग ही लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे, ठीक है? बट स्टिल आपको ये मैनेज करना है. मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो कैलकुलेटर होता है वो बेसिकली थोड़ा अजीब होगा, तो आपने कैलकुलेशंस संभाल के करने हैं उस पर. ऐसे कीजिएगा, अगर आपको कोई फंक्शन पता नहीं है तो उसका यूज़ मत कीजिए, नहीं तो कुछ और ही रिजल्ट आ जाएगा और आपको शायद कैलकुलेशन फिर से करना पड़े, ठीक है? एंड जो भी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती है उनको नोट कर लो. ओके, लेट्स से कोई इंटरमीडिएट वैल्यू आ गई तो उसको अपने पेपर पे नोट कर लो. पेपर देते हैं वो लोग, इसकी टेंशन नहीं है, पेपर में नोट कर लो एंड देन अपना अगला कैलकुलेशन करना. क्योंकि होगा ऐसे कि अगर गलती से कुछ हो गया और वो कैलसी बंद हो गया या फिर कोई और कमांड दब गई आपके, तो आपको पूरा कैलकुलेशन स्टार्ट से करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कैलसी का पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, गेट के जैसे फ्लुएंट कैलसी नहीं होता.
राइट सब्जेक्ट को वेटेज, अभी बोलते हैं लोग कि यार सर किसको प्रेफर करें क्या करें, आपने सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, ठीक है, क्योंकि जनरली यहाँ पे कोई ऐसा वेटेज नहीं होता वगैरह वगैरह, क्यों, क्योंकि देखो जो भी पेपर आता है वो बेसिकली किसी को पता ही नहीं होता कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ये जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जो भी टिप्स मैंने बनाई है तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है, ठीक है, तो इसीलिए इक्वल वेटेज होता है सभी सब्जेक्ट को, तो आपने सभी सब्जेक्ट करने हैं, आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है हाथ में, तो आपने प्रॉपरली सभी सब्जेक्ट का रिविजन करना है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिग कैलकुलेशन, ओके, नाउ देयर इज अ चांस कि कोई कोई क्वेश्चंस में जैसे गेट में जो क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्कर जिनमें बड़े बड़े कैलकुलेशन इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए और आपके पास उतना टाइम नहीं हो, शायद 1 मिनट हो या फिर 2 ही मिनट हो, ठीक है, उससे भी कम होता है कभी कभी, तो आपने करना क्या है, अच्छा ये जो बड़े कैलकुलेशन वाले होते हैं इनकी जो लाइन्स होती है क्वेश्चंस होता है वो क्वेश्चंस ही खुद 3-4 लाइन्स के होते हैं, ठीक है, तो ऐसी केस में आपने करना क्या है, देखिए मैंने जैसे बोला 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली बात आपने जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तब आपको समझ आना चाहिए पूरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा नहीं कि एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लिया फिर से दूसरे बार पढ़े जा रहा है, नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, ठीक है, देन अभी इसमें करना क्या है आपको, एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल जाता है कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, देन करने के बाद आपने इसको एक अटैम्प्ट सीरियस अटैम्प्ट में कैलकुलेशन करना है, अभी आप कैलसी धीरे धीरे यूज़ करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने एक ही इसमें आंसर लाना है, ठीक है, तो ये बड़े कैलकुलेशंस वाले जो है इसमें आपको समझना ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे 100% गारंटी होना ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकता तो यार छोड़ दो, टाइम पास मत करो, कोई भी फॉर्मूला याद करोगे कैलसी में पुट करके वैल्यू निकाल के मैच करने का ट्राई करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, दूसरी बात नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे नहीं कि जो भी मतलब मैच कर दिया उसको करो निकल लो, नहीं ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, फिर से मैंने आपको बताया है 60% ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ओके, कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस, अगेन हम सब गेट जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ देते हैं वो गेट के लिए देते हैं, तो गेट का जो इंटरफेस है वो आपको पता रहता है कहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में जाओगे जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो जो इंटरफेस होता है आपको पता चल जाता है, जो भी आपकी कंप्यूटर होगा कंप्यूटर पे जो विंडो ओपन होगी उसमें सेव ऑप्शन होते हैं और बहुत से 2-3 ऑप्शन होते हैं, तो उनको एक बार पढ़ लेना प्रॉपरली, ठीक है, सो दैट आप कोई गलत बटन ना दबा दो वहाँ पे, ओके, तो इंटरफेस थोड़ा अलग होगा और आप फर्स्ट टाइम उसको फेस करते हो इसीलिए उसको थोड़ा यूज़ टू होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है उसमें, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए कौन सा बटन क्या करता है वो भी पढ़ लेना, ओके, सेटअप, अभी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होती है उनमें एग्ज़ाम होता है BARC का, तो प्लीज़ थोड़ा ये देखना कि जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपका सेटअप अच्छा है, आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ वहाँ पे देख लो यार माउस भी सही से चल रहा है कि नहीं, तो इसी से आपको हेल्प होने वाला है, ऐसे नहीं एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद आप सब कंप्लेंट किए जा रहे हो, ठीक है, तो ये कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स हैं, अभी आपने करना क्या है, आपके एम्स क्या होने चाहिए एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, मैंने जैसे बोला 60% से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देने हैं, 100% करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझेंगे भी नहीं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तो क्लियरली छोड़ दो, जो मतलब पढ़ने से ही समझ आ जाता है ना, आधे में ही पता चल जाता है कि भाई ये क्या लिखा है, ओके, ऐसे क्वेश्चंस को वहीं छोड़ देने का, समझ रहे हो, क्योंकि अगेन मैंने आपको बोला कि आपको 60+ ही चाहिए क्लियर करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग, अगेन इसका एक पॉइंट आ जाता है, भाई जुनून में 100% अटेम्प्ट करके आ गया, उसमें 60 सही भी हो गए बट 40 रॉन्ग हो रहे हैं, 40 रॉन्ग करके क्या कर देंगे, 60 को और भी कम कर देंगे, तो नेगेटिव मार्किंग है, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट, एंड जो कट ऑफ होती है वो जनरली 160+ ही होती है, 160 मार्क्स के प्लस या फिर उसके ऊपर ही चली जाती है, तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 0.33 से भी सिलेक्शन रुक जाता है, तो इसमें ये नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, ओके, ना मेरा जो स्कोर आया था वो 190 आया था इस टेस्ट में, ओके, रीच लास्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ऐसा होता है जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं और इसके वजह से होता है कि आप एंड क्वेश्चन में पहुंच ही नहीं पाते, हमें हमारा जो एम है 100 क्वेश्चंस में 100 जो है वो बेसिकली हमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वहाँ तक पहुँचना है, बीच में आप स्किप भी कर दो, आप टाइम की तरफ देखते रहो कि यार मेरा क्या स्पीड चल रहा है किस रेट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपका एम ये होना चाहिए दोस्तों कि लास्ट क्वेश्चन तक मैं चला जाऊँ, मतलब 0 से 100 में जितने भी ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो आप कर लो, ओके, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ईजी होते हैं जिसमें से आपने पढ़ना है और उसको टिक करके आगे चले जाना है, ऐसे क्वेश्चंस को पहुंचना बहुत ज़रूरी है, हम लोग टाइम पास कर देते हैं 60-70 पे ही टाइम आउट हो जाता है, हो गया, जो ईजी क्वेश्चंस थे वो शायद हम रीच ही नहीं कर पाते, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ईजी वंस आर जनरली एट लास्ट, एग्जाम का स्ट्रैटेजी होता है दोस्तों ये,
इजी वाले जो होते हैं एंड में रख देते हैं, क्योंकि सबका वही होता है कि पहले पहले जुनून में मस्त सॉल्व करे जा रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी एंड में पहुंचते नहीं है, और एंड में क्या करते हैं, इजी इजी क्वेश्चंस रख देते हैं, समझ रहे हो? तो लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इफ़ यू नो हाउ टू कैलकुलेट गिव इट अ चांस, इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, आपको पता है यार इसके बाद बहुत सी चीज़ें करनी है, देन आंसर आएगा। एक चांस दे दो उसको, एक बार उसको अच्छे से सॉल्व करो, एंड देन ही, एक बार उसको सॉल्व कर दिया आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ के निकल लो। बट अगर आपको अप्रोच पता है तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी, उसको एक चांस आपने देना है। 50-50 अप्रोच, ये जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत ज़्यादा काम आता है। 50-50 मतलब चार ऑप्शंस होते हैं, चार में से आपको अगर पता है कि दो नहीं है और इन दोनों में से ही आंसर है, तो आपको जो क्लोज रखता है उसको टिक करके आ जाओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पॉजिटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये 50-50 अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि चार में से दो गलत ही है, देन ओनली आप बाकी दो पे जा सकते हो। ऐसे नहीं कि चार में से कोई भी एक मार के आ जाओ, 25-25-25 अप्रोच यूज़ नहीं करना है, 50-50 इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो चांसेस 0.33 आते हैं प्लस में, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का आंसर बताता है, इसीलिए आप फॉलो कीजिए। दो अगर आपको सही लग रहे तो उनमें से जो क्लोज लग रहा है आपको उसको टिक करके आ जाना, ठीक है। ओके, ह्यूज कैलकुलेशन एंड लेस कॉन्फिडेंस, अगर आपको लगता है कि यार कोई क्वेश्चन मैंने रीड किया है ये हो जाएगा मेरे से, ठीक है, बट आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है कि शायद ये ऐसा नहीं है या फिर किसी और में है, तो आप उसको गलती से भी टच मत करना, कैलकुलेशन करने का ट्राई भी मत करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप कैलकुलेट करते हो बाद में आंसर मैच नहीं करता, खत्म, वहीं पे सब खत्म हो गया, आपके 2-3 मिनट्स बर्बाद हो गए, इससे अच्छा आप और कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको एग्जैक्टली पता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, कैलकुलेशंस क्या इन्वॉल्व है, देन ओनली कैलसी को हाथ लगाओ, समझ रहे हो? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एम्स है जो आपने फॉलो करनी चाहिए एग्जाम में। अभी हमें करना क्या है यार, एक महीना बाकी है। सबसे पहले कंसेप्ट को रिवाइज करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली क्वेश्चंस आएंगे, सभी कैलसी से तो नहीं आएंगे, ठीक है, थेरोटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आपको सीधा कंसेप्ट से मिलेंगे। और ये तो अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, गेट एंड ESE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो प्लीज़। ओके, नाउ जिनका प्रीलियम क्लियर हो जाएगा, अभी रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, या फिर जिनको कॉन्फिडेंस है यार कि मेरा हो ही जाएगा, प्लीज़ अपने मेंस पे फोकस करना, ठीक है। आप साइमल्टेनियसली ये करो, ओके, गेट एंड ESE के क्वेश्चन, और अपने मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ESE। हालांकि इससे रेलवेज हट चुका है, बट स्टिल आपके पास बहुत अच्छे अच्छे रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट्स है, ओके, तो प्लीज़ डिप्रेस मत होना यार, रेलवेज हट गया है, ठीक है, और भी चांस बहुत आएंगे आपको रेलवेज़ की एग्ज़ाम देने के भी, तो प्लीज़ मेंस पे फोकस कीजिए। एंड इसके अलावा आप 3-4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करीजिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत जल्दी आ जाते हैं, और इंटरव्यू में बेसिकली 3 या फिर 4 सब्जेक्ट्स ही होते हैं जो पूछते हैं। BARC के एग्ज़ाम जो इंटरव्यू होता है दोस्तों, ये सबसे डिफ़िकल्ट या फिर टफेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन रेशो होता है 1:30, ओके, 30 में से एक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी इंटरव्यू के बारे में मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, इंटरव्यू में मेरे साथ मेरे ही एक फ्रेंड है जो BARC में ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स काम कर चुके हैं, ओके, तो मैं उन्हीं से आपका एक नो द टॉपर का एपिसोड बना दूंगा। जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आपको उनसे, आप इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, वही क्वेश्चन हम उनसे पूछ देंगे, ठीक है। तो वो जो इंटरव्यू का सेशन होगा वो हम उनके साथ करेंगे, एंड ही विल बी अ बेटर पर्सन टू गाइड यू, ठीक है। इवन मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो हम दोनों आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। उनसे जो भी क्वेश्चन पूछना है आप इस वीडियो में, या फिर मुझसे जो क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो के कमेंट में, प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। फिलहाल इंटरव्यू के लिए आपने क्या करना है, 3-4 सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि जनरली BARC का इंटरव्यू ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको पूछ लेगा, इंटरव्यूअर, कि बताओ भाई कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो आपने लिख दिया सॉम टॉम FM, अभी ये सच में अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो लोग कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ 3-4 सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज करके रखो, पूरा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 99.9% यही होगा, वो आपसे पूछेगा बताओ आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े, क्या किया है, ओके। तो प्लीज़ बाकी कुछ पढ़ो मत, बाकी मैं सिर्फ आप गेट और ESE के क्वेश्चन जो है वही सॉल्व करो, कहीं भी सर्च मत करो यार BARC के क्वेश्चन पेपर वगैरह वगैरह, क्योंकि है ही नहीं वो, समझ रहे हो। थैंक यू, वीडियो का एंड आ चुका है, एंड एट द लास्ट एकदम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, खुद के ब्रेन पे ट्रस्ट करो गाइज, आपने अब तक यहाँ तक फेस किया है सब कुछ चीज़ों को, एग्ज़ाम अच्छे से दी है, पढ़ा भी अच्छे से है, ESE हो या फिर गेट हो, अभी और एक एग्ज़ाम आ रही है BARC,
तो उसके लिए अपना जो ब्रेन है उस पर ट्रस्ट करो। अगर आपने सब कुछ 100% एफिशिएंटली या फिर 100% मेहनत आपने की है तो आपका ब्रेन जो है आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, वही आपको आंसर बताएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ट्रस्ट योर ब्रेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड जो भी जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आने वाला है वो BARC का इंटरव्यू कैसे देना है उसी का होगा। तो आपको जो भी क्वेश्चंस है प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, सीधा वो आंसर हो जाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।